तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिनलिंग सिटी में वो पर्पल लिक्विड ट्रेजर लेने आ गया था, जहाँ निकी के पैलेस के सामने वो डीमन पैलेस के यंग मास्टर और उस होली लैंड वाले बंदे को गेट के गार्ड से लड़ता हुआ देखता है, क्योंकि वो दोनों अंदर जाना चाहते थे, जिसे देखकर जिन उन्हें रोकता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन उन गार्ड से कहता है कि राजकुमारियों को बोलो कि मैं उन्हें हील करने आया हूँ। ये सुनके वो गार्ड जिन को वहीं रुकने को बोल के खुद अंदर चले जाते हैं, जहाँ गार्ड्स के अंदर जाने के बाद डीमन मेंशन का बंदा जिन से कहता है कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, जिस पर जिन बोलता है कि लगता है मैं यहाँ बहुत फेमस हो गया हूँ, कहीं मुझे फेमस करने में इस होली लैंड वाले बंदे का तो हाथ नहीं। ये सुन के वो होली लैंड वाला बंदा जिन से कहता है मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, जिस पर जिन कहता है कि क्या तुम दोनों का महल में जाने के लिए गार्ड्स को धमकाना तुम्हारी फैमिलीज को शोभा देता है। तो वो डीमन मेंशन का बंदा जिन से बोलता है कि क्या अब एक गाँव का गवार मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत, जिस पर जिन उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि राजकुमारी तुमसे नहीं मिलना चाहती है, फिर भी तुम बेवकूफों की तरह यहाँ खड़े होकर उनसे मिलने का वेट कर रहे हो। ये सुनके उस डीमन मेंशन वाले बंदे के साथ आई दो लड़कियाँ जिन पर अटैक करने लगती हैं, पर जिन उन्हें अपनी स्पिरिट पावर से पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो डीमन मेंशन वाला बंदा जिन पर अटैक कर देता है, तो जिन भी उससे सिर्फ एक हाथ से लड़ने लगता है। तभी वो बंदा अपना वेपन बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर जिन भी अपनी सॉर्ड बाहर निकालने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ निकी आ जाती है और उन दोनों को रोक देती है, जिसके बाद वो डीमन मेंशन का बंदा निकी से कहता है कि मैं यहाँ आपकी बहन का हाथ मांगने आया हूँ, जिस पर निकी गुस्से में बोलती है कि इसके लिए आपको मेरे फादर के आने का वेट करना होगा। इसके बाद निकी सिर्फ जिन के साथ अंदर चली जाती है। ये देखकर वो डीमन मेंशन वाला बंदा होली लैंड वाले बंदे से कहता है कि पहले तो मुझे लगता था कि निकी को बस गुस्सा बहुत आता है, पर मुझे अभी पता चला कि इसे तो टैलेंट की पहचान भी नहीं है। इधर जिन निकी से कहता है कि तुमने उस बंदे से अच्छे से डील करी, नहीं तो ऐसे बंदे अक्सर सरदर्द बन जाते हैं। तभी उसे निकी की बहन दिखती है जो जिन से कहती है कि तुम अभी निंग पैलेस आए ही हो और अभी से लोगों से लड़ना शुरू कर दिया, लगता है कि तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं बदले हो। जिस पर जिन कहता है कि अगर वो बंदा फिर से तुम्हारे पैलेस के सामने आके ऐसी बातें करेगा तो अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनके निकी की बहन जिन को बताती है कि वो डीमन मेंशन और होली लैंड वाले बंदे झूठ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले मेरी शादी की बात करने के लिए यहाँ कुछ बंदे भेजे थे, जिस पर जिन कहता है कि लेकिन वो दोनों ही बंदे अच्छे नहीं हैं। तभी निकी बोलती है कि वो दोनों बहुत बेशरम हैं, क्योंकि वो मेरी बहन से शादी सिर्फ हमारी फैमिली के लिक्विड ट्रेजर के लिए करना चाहते हैं, जिस पर निकी की बहन बोलती है कि प्लीज इस बारे में और बात मत करो। इसके बाद निकी की बहन जिन से उसके वहाँ आने का रीजन पूछती है, जिस पर जिन कहता है कि मैं भी यहाँ उस लिक्विड ट्रेजर के लिए आया हूँ, ऊपर से मुझे तो तुम्हारी फैमिली का खास पर्पल लिक्विड ट्रेजर चाहिए। ये सुनके वो दोनों चौंक जाती है। आगे वो दोनों ये बात अपने फादर को बताती है, जिस पर सिटी लॉर्ड जिन से कहते हैं कि इस पर्पल लिक्विड ट्रेजर की दो बूंद को बनाने में एक महीना लगता है और इसे सिर्फ सुपरनेचुरल लेवल के टॉप स्टेज के ऊपर वाले लोग ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सुनके निकी की बहन जिन से कहती है कि यानी कि अभी मैं और मेरी बहन इस ट्रेजर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तभी सिटी लॉर्ड जिन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें वो ट्रेजर दे दूंगा, क्योंकि तुमने होली लैंड में उनकी जान बचाई थी। जिस पर जिन उन्हें थैंक्स बोलते हुए कहता है कि अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। पर सिटी लॉर्ड जिन को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और ये याद रखना कि तुम्हारा मेरी बेटियों के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनके वो दोनों निराश हो जाती है। तभी जिन सिटी लॉर्ड से बोलता है कि मैं शायद इन दोनों की इलनेस को ठीक कर सकता हूँ, जिस पर सिटी लॉर्ड गुस्से में कहते हैं कि मैं हर जीनियस डॉक्टर से मिल चुका हूँ, पर कोई इन्हें ठीक नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें झूठी होप्स मत दो कि तुम इन्हें ठीक कर सकते हो। ये सुनके जिन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद सिटी लॉर्ड जिन से कहते हैं कि उस लिक्विड ट्रेजर को बनाने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ और अगर तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो गार्ड्स को बोल देना। तभी निकी की बहन जिन के साथ महल के बाहर जाने की परमिशन मांगती है, तो सिटी लॉर्ड इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद निकी की बहन जिन को लेकर बाहर चली जाती है। पर निकी ये देखकर दुखी थी, क्योंकि वो भी जिन को पसंद करती थी। इस तरफ निकी की बहन जिन को बताती है कि इस दुनिया में डिवाइन सोर्स बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पावरफुल फैमिलीज एक दूसरे से लड़ रही हैं। इसलिए मेरे फादर के पास उस डीमन मेंशन या उस होली लैंड वाले बंदों की फैमिली से रिलेशन बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर जिन उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के बाद इतनी मेहनत नहीं करती।
ये सुन के निकी की बहन कहती है कि लगता है मेरी बहन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जिस पर जिन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करती है। इसके बाद जिन उसे कहता है कि तुम अपने फादर को ये बात क्यों नहीं बता देती, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। जिस पर निकी की बहन कहती है कि अभी मैं बहुत वीक हूँ, ऊपर से अगर मैं ऐसा करती हूँ तो शादी का बोझ मेरी बहन पर आ जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी खुशियाँ छिन जाए। पर तुम चिंता मत करो, मैं इन सब चीजों से बाहर आने के लिए अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस पर जिन कहता है कि तुम मुस्कुराते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुन के निकी की बहन शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर डीमन मेंशन वाला बंदा आ जाता है और निकी की बहन से बोलता है कि आखिर मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई, पर ये गंदा इंसान भी यहीं पर है। जिस पर निकी की बहन बोलती है कि जिन मेरा दोस्त है, इसलिए इसके बारे में ऐसा मत बोलो। तो वो बंदा कहता है कि तुम दोनों बहनें इसे ऐसे प्रोटेक्ट करती हो कि मैं नहीं, बल्कि ये तुम्हारा मंगेतर है। तो जिन कहता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम इसके मंगेतर हो। जिस पर उस बंदे के साथ आई लड़कियां बोलती हैं कि लगता है हमारे मास्टर ने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि वो तो निकी की बहन को अपनी वाइफ नहीं बल्कि रखेल बनाकर रखेंगे। ये सुनके वो बंदा हंसते हुए निकी की बहन से कहता है कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी जिन निकी की बहन को गले लगाकर उस बंदे को बोलता है कि तुम्हारी रखेल बनने से तो अच्छा है कि ये मेरी सर्वेंट बन के रहे। ये देखकर वो बंदा गुस्से में जिन पर अटैक कर देता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है।